अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्वेंसेज ऑफ प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस को आप कैसे सिक्वेंस में रखेंगे कि पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो इसके 14 रूल्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से। पहला जो सीक्वेंसेस ऑफ प्रोनाउन का रूल है, इफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। जब आपके पास फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, आप किसी सेंटेंस में, तो आप सीक्वेंस को कैसे रखेंगे? तो याद रखें, सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को लाएंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लाएंगे, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। सेकंड पर्सन हमारे पास क्या है, जैसे यू है, और थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है, जैसे ई, शी, इट और दे है, और फर्स्ट पर्सन आपके पास आई है। और याद रखें, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू, ई एंड आई कैन गो एनी वेयर। अब देखें, पहले आप सेकेंड पर्सन लाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लाएंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू है, ई थर्ड पर्सन है, और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन को लाओगे, एंड कैन गो एनी वेयर। आप, वो और मैं कहीं भी जा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, यू शी एंड आई विल अटेंड द क्लास। वो, आप, वो और मैं क्लास अटेंड करेंगे। अब देखें, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन फेमिनाइन, पहले में मैस्कुलाइन था, अब थर्ड पर्सन फेमिनाइन और आई फर्स्ट पर्सन। विल अटेंड द क्लास, आप, वो और मैं क्लास अटेंड करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास सीक्वेंस का, प्रोनाउंस का सीक्वेंस है, वो इस तरह है रूल, इफ देर आर फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन इन द सेंटेंस, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, तो सीक्वेंस में सबसे पहले आप सेकेंड पर्सन को लाएंगे, यू को, बाद में फर्स्ट पर्सन आई को। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू एंड आई में गो टू अकेडमी। यू सेकेंड पर्सन और आई उसके बाद फर्स्ट पर्सन, में गो टू अकेडमी, आप और मैं शायद की अकेडमी जाएं। You and I were studying together. आप और मैं इकट्ठा पढ़ रहे थे। अब पहले यू आएगा, फिर बाद में आई। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रूल है, इफ देर आर सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। अगर आपके पास सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, आप सीक्वेंस में सबसे पहले किसको लाएंगे? सेकेंड पर्सन को, फिर बाद में थर्ड पर्सन को। सो सेकेंड पर्सन पहले आएगा और थर्ड पर्सन बाद में। एग्जाम्पल है, यू एंड ई वर टेकिंग क्लासेस टुगेदर। अब पहले सेकेंड पर्सन आ रहा है, फिर बाद में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है। यू एंड ई वर टेकिंग क्लासेस टुगेदर, आप और वो इकट्ठा क्लास ले रहे थे, या एक साथ क्लास ले रहे थे। यू एंड शी डिस्टर्ब द क्लास, द क्लासेस, आपने और उसने क्लासेस को डिस्टर्ब किया था। अब देखिए, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। पहले में सेकंड एंड थर्ड पर्सन से मैस्कुलाइन, और फिर बाद में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन फेमिनाइन। चौथा जो रूल है हमारे पास, इफ देयर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन प्रेजेंट इन द सेंटेंस, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। देखिए, जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हो, तो पहले आप सेकंड पर्सन को सबसे पहले लाएंगे, फिर बाद में थर्ड पर्सन को लाएंगे, फिर आप बाद में फर्स्ट पर्सन को लाएंगे। फिर अगर आपके पास सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो पहले आप सेकंड पर्सन को लाएंगे, फिर बाद में थर्ड पर्सन। अगर सेकंड और फर्स्ट हो, फिर आप पहले सेकंड को लाएंगे, फिर बाद में फर्स्ट को लाएंगे। जैसे ये रूल है, और इससे पहले जो तीसरा रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकंड शुरू में आएगा और थर्ड बाद में आएगा। क्लियर? सो ये सीक्वेंस आपने कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इफ देयर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन। अब जब
फर्स्ट और थर्ड पर्सन हो तो फिर सबसे पहले आप थर्ड पर्सन को लाएंगे, इसको फर्स्ट लाएंगे और इसको बाद में लाएंगे। थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में। जैसे ई एंड आई एज रिटन एन एसे, वो और मैं एक खत लिख चु एक मजमून लिख चुके थे। शी एंड आई वर अनाउंसिंग द रिजल्ट, वो और मैं रिजल्ट को अनाउंस कर रहे थे। अब देखिए, पहले थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन और फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन फेमिनाइन और फर्स्ट पर्सन, इस सीक्वेंस में आप जाएंगे। रूल नंबर 5 है, इफ देयर आर टू थर्ड पर्सन्स। अब देखिए, अगर टू थर्ड पर्सन्स है ना, एक सिंगुलर और प्लूरल, तो प्लूरल और सिंगुलर इकट्ठे हैं, दोनों थर्ड पर्सन्स है, तो सबसे पहले रूल पहले पढ़ेंगे। इफ देयर आर टू पर्सन्स, थर्ड पर्सन्स अ प्लूरल एंड अ सिंगुलर, सो प्रेजेंट इन अ सेंटेंस द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। सीक्वेंस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल को लाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर को लाएंगे। एग्जाम्पल है, दे एंड ई सपोर्टेड अस इन आर स्टडीज, उन्होंने और उसने हमारी पढ़ाई में मदद की। अब देखिए, पहले दे आएगा फिर बाद में ई आएगा सिंगुलर, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन। अब ई मैस्कुलाइन था, फेमिनाइन का जो एग्जाम्पल है, दे एंड शी किल्ड हिम टुगेदर, उन्होंने और उसने उनको इकट्ठा उसको इकट्ठा कत्ल किया। रूल नंबर 6 है, इफ देयर आर टू थर्ड पर्सन्स, अ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन इन अ सेंटेंस, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। अगर देखिए, आपके पास दोनों थर्ड पर्सन है और वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है, तो पहले आप मैस्कुलाइन को लाएंगे फिर बाद में फेमिनाइन को। जैसे थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन और थर्ड पर्सन फेमिनाइन। एग्जाम्पल हमारे पास है, ई एंड शी लाइक ईच अदर, देखिए पहले मैस्कुलाइन आएगा बाद में फेमिनाइन आएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल, ई एंड शी लेफ्ट द सिटी, उसने और उसने शहर छोड़ दिया। अब यहां पे ई आएगा फिर बाद में शी आएगा। रूल नंबर 7 डिस्कस करेंगे, इफ देयर आर थर्ड पर्सन्स, यू नो अ थर्ड पर्सन पर्सनल एंड अ थर्ड पर्सन नॉन पर्सनल। अब आपके जो सेंटेंस में थर्ड पर्सन्स हैं, उनमें से एक थर्ड पर्सन पर्सनल है और एक थर्ड पर्सन नॉन पर्सनल है। अब देखिए, पर्सनल कौन कौन से हैं, आपके पर्सनल में आता है ई, शी और दे, जिनको हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, तो इन्हें हम पर्सन पर्सनल्स कहते हैं, और इट एंड नॉन पर्सनल। इन ऊपर वालों में से कोई एक आए या एक आए इट के साथ, तो फिर आप सबसे पहले किसको लाएंगे। एग्जाम्पल है, देखिए ई पर्सनल है और इट नॉन पर्सनल है, तो सबसे पहले पर्सनल को लाएंगे ई और नॉन पर्सनल को बाद में इट। ई एंड इट वर सिटिंग ऑन द बेंच, ई और इट यानी हम किसी जानवर का नाम ले रहे हैं, कोई कुत्ता वगैरह हो सकता है, क्लियर। ई और इट वर सिटिंग ऑन द बेंच। सेकेंड है शी फेमिनाइन, पहला वाला मैस्कुलाइन था पर्सनल, अब शी फेमिनाइन पर्सनल है। इट एंड शी एंड इट स्लीप ऑन दिस बेड, अब देखिए पहले आप शी लाएंगे फिर नॉन पर्सनल इट लाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल, दे एंड इट, दे वो और इट वो कोई जानवर, आर क्लोज फ्रेंड्स। रूल 8 है हमारे पास, इफ देयर आर फोर थर्ड पर्सन, देखिए अगर चार थर्ड पर्सन हैं, जैसे टोटल चार हैं वो ई शी इट और दे, इन चारों को जब आप इकट्ठा यूज करेंगे तो फिर आप सीक्वेंस को कैसे रखेंगे। तो सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल, फिर थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल यानी पहले आप दे को लाएंगे, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन यानी आप ई को लाएंगे, थर्ड पर्सन फेमिनाइन यानी आप शी को लाएंगे, और थर्ड पर्सन नॉन पर्सनल यानी आप इट को लाएंगे। तो आप सीक्वेंस में सबसे पहले दे लाएंगे, फिर प्लस ई, फिर प्लस शी और प्लस इट। एग्जाम्पल है हमारे पास, दे ई शी एंड इट, देखिए पहले दे आएगा फिर ई फिर शी फिर बाद में इट। वेंट टूगेदर इन द जंगल, और सेकेंड एग्जाम्पल है, दे ई शी एंड इट, पहले दे आएगा फिर ई फिर शी और फिर बाद में इट, डाइड इन द फ्लड, वो और वो
सैलाब में मरे, मतलब दे यानी वो जमा के लिए, ई वो कोई मुजक्कर, शी वो कोई मोनस, और इट कोई जानवर। तो सबसे पहले दे आएगा, फिर ई शी, और बाद में इट आएगा। रूल नंबर 9 है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑलवेज कम्स एट द एंड बट फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग। याद रखिए, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आप सबसे पहले किसको लाएंगे, ई को लाएंगे, आई को लाएंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपका क्या है, आई है, ये हमेशा जुमले के एंड में आता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट रूल में। और लेकिन जब आपके पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो तो ये हमेशा जुमले के शुरू में आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, रूल क्या है, पहले आप फॉर्मूले में फर्स्ट पर्सन प्लूरल लाएंगे, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। वैसे तो सिंगुलर के साथ ये होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमेशा पहले आएगा। जैसे वी यू एंड ई आर सरप्राइज्ड, तो पहले वी आया यानी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल आया, फिर उसके बाद यू आया और एंड में आपके पास ई आया। वी यू एंड ई आर सरप्राइज। अगर देखे सिंगुलर होता तो आप लिखते ई यू ई एंड आई आर सरप्राइज, लेकिन जब प्लूरल आए, आई की जगह पे प्लूरल आए, तो फिर वो शुरू में आएगा, आई बाद में। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, वी यू एंड शी एट टेकन एडमिशन, पहले वी आएगा, फिर यू, फिर शी, और बाद में आपके पास थर्ड पर्सन आएगा, टेकन एडमिशन। और अगर यहां पे सिंगुलर होता तो आप लिखते यू शी एंड आई हैड टेकन एडमिशन, क्लियर। और थर्ड एग्जाम्पल है, यू वी यू एंड दे कैन नेवर मिस एनी मोमेंट। हम आप और वो कोई भी लम्हा नजरअंदाज नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। तो यहां पे पहले वी आएगा यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फिर सेकंड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद थर्ड पर्सन चाहे वो मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो या प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो। अगर नॉन पर्सनल है भी, आप यहाँ पे इट लिख सकते हैं। तो रूल नंबर 10 अभी डिस्कस करेंगे। इफ फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, द फॉलोइंग पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विल बी ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। रूल क्या कह रहा है, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो बाद में जो आप पोजेसिव केस लगाएंगे या रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव का केस लगाएंगे तो फिर वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का लगाएंगे, और रिफ्लेक्सिव केस आप लगाएंगे तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का लगाएंगे, यानी आप यहां पे आर और आरसेल्स लगाएंगे जुमलों में, क्योंकि इनके साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन मौजूद है। तो इनके साथ जब फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो केस आप हमेशा फर्स्ट पर्सन का लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ई एंड आई विल स्टार्ट आर बिजनेस, वो और मैं अपना कारोबार शुरू करेंगे, क्लियर। आर आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब अगर शी के साथ आ रहा है, शी एंड आई, चाहे वो थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो या प्लूरल हो, इट एंड आई वर डूइंग, शी एंड आई वर डूइंग आर एक्टिविटीज, वो और मैं अपना काम कर रहे थे। दे एंड आई हैव कंप्लीटेड आर मास्टर्स, वो और मैं अपना मास्टर्स कर चुके हैं, क्लियर। अपना मास्टर्स, देयर मास्टर्स मतलब आप कह रहे हो कि उनका मास्टर्स कर चुके, नहीं अपना, यानी आप तमाम इकट्ठे हैं, क्लियर। और नेक्स्ट है ई एंड आई, देखिए ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव केस आएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल का। ई एंड आई लर्न्ड इंग्लिश आर सेल्स, वो और मैं इंग्लिश एक साथ सीखे, वो और मैं इंग्लिश एक साथ सीखे, क्लियर। शी एंड आई एट सपोर्टेड आर सेल्स, वो और मैं एक दूसरे की मदद कर चुके हैं, कर चुके थे। दे एंड आई, वो और मैं आर प्लेइंग क्रिकेट आर सेल्स, हम इकट्ठा क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लियर। तो यहां पे थर्ड पर्सन और फिर बाद में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ रिफ्लेक्सिव केस जो यूज करोगे
वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। इसी तरह सेकंड पर्सन के साथ आप यूज करेंगे यू एंड आई, इसके साथ भी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। देखिए यू एंड आई कैन मेक आवर ओन होम, मैं आप और मैं अपना घर बना सकते हैं, क्लियर, यानी अपना अपना, अरे का अपना, तो आवर ओन होम। और रिफ्लेक्सिव केस कैसे यूज करोगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जब यू सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो, यू जैसे सेकंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, यू एंड आई वर इनकरेजिंग आवरसेल्व्स, आप और मैं एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे, एक दूसरे की इनकरेजमेंट कर रहे थे। तो ये हो गए रूल नंबर 10। 11 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 11 में है, इफ सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, द फॉलोइंग पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विल बी ऑफ सेकंड पर्सन प्लूरल। देखिए जब आप सेकंड पर्सन यानी यू को इस्तेमाल कर रहे हो और थर्ड पर्सन चाहे वो ई है, शी है, इट है या दे है, उनको इस्तेमाल कर रहे हो, तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स और आपके रिफ्लेक्सिव केसेस वो किसके होंगे, सेकंड पर्सन प्लूरल के होंगे, यानी आप योर को इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह योरसेल्फ्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तरीके हो गए, क्लियर। अब एग्जांपल नंबर 1 क्या है, यू एंड ई, देखिए यू आ रहा है तो आप इसका पोजेसिव केस प्लूरल यूज करोगे और रिफ्लेक्सिव केस भी सेकंड पर्सन का ही यूज करेंगे प्लूरल के तौर पर। यू एंड ई, आप और वो didn't do your work honestly, आप और वो, आपने और उसने अपना काम, आपने और उसने तुम्हारा काम ईमानदारी से नहीं किया, means अपना काम आप लोगों ने यानी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, तो फिर यहाँ पे second person आएगा। इसी तरह you and she ignored your mistakes, आपने और उसने अपने पेरेंट्स को, मिस्टेक्स नॉट पेरेंट्स, अपने वालिदैन को नजरअंदाज किया। थर्ड एग्जांपल है क्वेश्चन के तौर पे, हैव यू एंड दे, क्या आप और वो यानी एक से ज्यादा ब्रॉट योर एडमिशन फी, क्या आप और वो अपना एडमिशन फी लाए हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सेकंड पर्सन प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव केस। लास्ट एग्जांपल है फॉर रिफ्लेक्सिव केस, You and E have insulted yourselves. आपने और उसने अपने आप की बेइज्जती की है, yourselves आएगा, clear? So ये हो गया आपका reflexive case, और आप feminine, जी ये masculine के साथ था, ये feminine के साथ आप कैसे use करेंगे, You and she will backbite yourselves. आप और वो एक दूसरे की गीबत करेंगे, यानी yourselves अपने एक दूसरे की, वो आपकी और वो आपका, तो yourselves, clear? You and they must assist yourselves. आप और वो एक से ज्यादा जमा के लिए must assist yourselves. अब एक दूसरे की मदद करेंगे। Next rule number 12 है, if there are two persons, first person and third person followed by a possessive adjective of first person. याद रखिए अगर आपके पास two persons है, first person और third person, तो आप हमेशा फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगाओगे, और फर्स्ट पर्सन द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव ऑफ फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन लगाओगे, फिर फर्स्ट पर्सन। यहां पे जो आपका जो थर्ड पर्सन है वो कोई नाउन होगा, क्लियर, तो इसलिए आपने पहले माय, और फर्स्ट पर्सन का जो पोजेसिव केस है वो क्या है, माय होगा, क्लियर, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड, माय ब्रदर एंड I, my friend and I, my cousin and I, my brother and I, my sister and I, my father and I, my mother and I, my uncle and I, जो भी आप लगाएंगे my के साथ third person noun लगाएंगे, और चाहे वो masculine हो या feminine हो, फिर उसके बाद first person। अब देखिए my friend and I cannot miss any match, मैं मेरा दोस्त और मैं कोई भी match miss नहीं कर सकते हैं, तो my friend and I, आप नहीं कहेंगे I and my friend। इसी तरह माय ब्रदर एंड आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं और मेरा भाई और मैं नया कारोबार स्टार्ट करेंगे। और थर्ड एग्जांपल है,
माई टीचर एंड आई कंप्लीटेड आर वर्क्स, मैं मेरे उस्ताद और मैंने अपने काम मुकम्मल किए। तो यहाँ पे आप इस सीक्वेंस में जाएंगे। रूल नंबर 13 डिस्कस करेंगे, इफ देयर आर टू पर्सन, अ सेकेंड पर्सन एंड अ थर्ड पर्सन। याद रखे, जब सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, पहले तो फर्स्ट और सेकेंड था, आप सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, फॉलोड बाय अ पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसमें जब पोजेसिव एडजेक्टिव आप लगाएंगे ऑफ सेकेंड पर्सन, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। सीक्वेंस को आप ऐसे लिखेंगे, पहले आप सेकेंड पर्सन लाएंगे यू, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव ऑफ सेकेंड पर्सन, यू योर, पहले लाएंगे यू, फिर लाएंगे योर, योर के बाद आप लाएंगे थर्ड पर्सन, यू नो विद थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन यू योर ब्रदर, योर फ्रेंड, आप कोई भी नाउन लगाएंगे, यू योर ब्रदर, यू योर फ्रेंड, यू योर, यू एंड योर ब्रदर, यू एंड योर फादर, यू एंड योर मदर, यू एंड योर सिस्टर, आप इस सीक्वेंस में जाएंगे। यू एंड योर कजन्स, आप प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, उसके साथ आप यूज करेंगे। जैसे देखें, यू एंड योर ब्रदर चीटेड देम, आपने और आपके भाई ने उनको धोखा दिया, आपने और आपके वालिद ने, यू एंड योर फादर इग्नोर्ड आवर मिस्टेक्स, आपने और आपके वालिद ने हमारे गलतियां नजरअंदाज किए। इसी तरह रूल नंबर 14 जो हमारा लास्ट रूल है, इफ देयर आर टू थर्ड पर्सन, देखिए जब दो थर्ड पर्सन हो, वो पर्सनल हो और थर्ड पर्सन एंड अ थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, फॉलोड बाय अ पोजेसिव एडजेक्टिव, उसके पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन लगाएंगे, द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस। आप सीक्वेंस ऐसे लिखेंगे, पहले थर्ड पर्सन यानी ई शी इट दे, फिर थर्ड पर्सन विद पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर देयर आएगा, देयर फ्रेंड, देयर फादर, ई एंड देयर फ्रेंड, देखें ई एंड देयर फ्रेंड, इसी तरह शी एंड देयर फ्रेंड, दे एंड देयर फ्रेंड। तो आप इस सीक्वेंस में जाएंगे, देखें ई एंड इज फादर, ई एंड इज फादर, वो और उसके वालिद वेंट टू बाजार, बाजार गए, शी एंड अर मदर, देखो वो और उसकी माँ अटेंडेड द मैरिज पार्टी, यहाँ पे इज मदर भी लिख सकते हो और फादर भी लिख सकते हो, तो ये इज और अर का जो ताल्लुक है वो ई और शी के साथ है, मदर और फादर के साथ नहीं होगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, ई एंड इज मदर, शी एंड अर फादर, तो आप वो और उसकी वालिदा, वो और उसका वालिद, तो आप इस तरह इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अटेंडेड द मैरिज पार्टी, शादी के तकरीब में शामिल हुए। इसी तरह दे एंड देयर फ्रेंड, देखो वो और उनके दोस्त, प्लेड क्रिकेट टुगेदर, क्रिकेट इकट्ठा खेला, उन्होंने इकट्ठा खेला। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।